ये लगता है आपको कि ये कर पाएंगे? दायित्व मतलब समझ रहे, दूध का जला भी छाछ फूक फूक के पीता है। और आप वैसे मुझे पूरी उम्मीद है कि चाय पी रही हैं इस वक्त, चाय कॉफी, लेकिन दूध का जला भी छाछ फूक फूक के पीता है कि नहीं गरिमा जी? से आपका सवाल बहुत बहुत वाजिब है, इस वजह से वाजिब है कि वैसे तो ये पूरे समय प्रोजेक्ट करते रहे कि कांग्रेस पार्टी धड़ों में बटी हुई है, लेकिन उत्तराखंड भाजपा का कितना बुरा हाल है वो या तो मीडिया जानता है या विपक्ष जानता है, जनता तक वो खबरें शायद नहीं पहुंच पा रही है। हम भली भांति परिचित हैं कि कितने खेमों में बटी हुई है भाजपा, हर खेमे को साध पाना, हर खेमे से कार्यकर्ता को चयनित कर पाना और खुश कर पाना, संतुष्ट कर पाना, यानी कि आप त्रिविंदर खेमे से तीन को दायित्व दे दोगे, तीरथ खेमे से दे दोगे, अजय भट्ट खेमे से दे दोगे, अनिल बलूनी जी को खुश करने की कोशिश करोगे, निशंक जी अलग है, कोश्यारी जी अलग है, तो यानी कि इनके वहां इतने नेता हैं और उन नेताओं के अलग अलग समर्थक है, मतलब क्लियर कट माथे पे लिखा हुआ है कि ये निशंक के, ये अजय भट्ट के, ये महेंद्र भट्ट के, तो कार्यकर्ता के माथे पे जैसे लिख दिया जाता है ना उसके नेता का नाम, उस तरह से स्टैंप और मोहर लगी हुई है माथे पर। यही कारण है कि अभी तक दायित्व देने से बचते रहे पुष्कर सिंह धामी। तो गरिमा जी, आपको क्या लगता है कि धामी जी को कौन सा मॉडल अपनाना चाहिए, क्या तिवारी जी वाला या फिर विजय बोगड़ा जी वाला? मेरे हिसाब से राज्य इस वक्त दायित्वधारियों की फौज को तनख्वाह देने के लिए बिल्कुल उसका जो आर्थिक स्थिति है राज्य की वो मुफीद नहीं है, इसीलिए मैंने आपने बाइट भी लगाई थी, मैंने उसमें भी पूछा था कि भारतीय जनता पार्टी बताए कि डबल इंजन की सरकार पाने के बाद उत्तराखंड राज्य के वासियों का क्या भला हुआ, नहीं इतनी उस हमारी पर तो मैं आमदनी आऊंगा कर दी दायित्वधारियों क्या? के। मैंने मैंने आप मेरे सवाल को गोल कर गई, मैं आपकी काबिलियत का कायल हूं, मुझे सिर्फ इतना बताइए कौन से फॉर्मूले को अपनाना चाहिए, तिवारी जी वाले को या फिर बोगड़ा जी वाले फॉर्मूले को? मैंने साफ तौर पे कहा कि तिवारी जी वाले फॉर्मूले को